आपको एक बहुत बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है बावल से, जहां एक व्यापारी से बदमाशों ने 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। शोरूम पर पहुंचे तीनों युवक खुद को खेड़ा गैंग का मेंबर बताया, मना करने पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। रेवाड़ी के बावल कस्बे में बदमाशों ने मंगलवार शाम को टाइल एवं सैनिटरी शोरूम चलाने वाले एक व्यापारी से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। शोरूम संचालक के बेटे ने फिरौती देने से मना किया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। इस हमले में दो बदमाशों के नाम सामने आए हैं। बावल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के सेक्टर 3 के रहने वाले सतीश बत्रा का बावल कस्बे में रेवाड़ी रोड पर एक्सिस बैंक के पास पार्वती टाइल्स एवं बत्रा सैनिटरी का के नाम से शोरूम है। मंगलवार शाम एक बाइक पर तीन युवक उनके शोरूम पर पहुंचे। उस समय शोरूम पर सतीश बत्रा का बेटा राहुल बैठा हुआ था। तीनों युवकों ने कुछ देर तो इधर उधर की बातें की और फिर 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। राहुल बत्रा के अनुसार तीनों युवक खुद को नामी बदमाश अनिल खेड़ा व संदीप खेड़ा गैंग का सदस्य बता रहे थे। राहुल के अनुसार उसके फिरौती देने से मना करने पर तीनों युवक शोरूम से बाहर निकले। बाहर निकलते ही तीनों ने शोरूम पर फायरिंग शुरू कर दी। उनकी एक गोली शोरूम के बाहर लगे शीशे पर लग गई, जिससे शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गोलियां चलाने के बाद तीनों युवक हथियार लहराते हुए फरार हो गए। राहुल ने बताया कि युवकों के जाते ही उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बावल थाना प्रभारी SHO विद्या सागर ने शोरूम के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। SHO विद्या सागर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, अभी फिरौती की रकम क्लियर नहीं है। बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस मामले में जिस अनिल खेड़ा और संदीप खेड़ा का नाम सामने आए, वे दोनों ही पेशावर बदमाश है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर बावल कस्बे में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद व्यापारियों में खौफ का माहौल है।